सियाड़े सोरट भलोन उनाड़े गुजरात वर्षे तो वागड़ भलोन असो कचड़ो बारे मास भाई चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रभु द एक्सप्लोरर प्रभु आहिर, और एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम कुछ नया करने वाले हैं, बाइक लेकर जंगल में आए हैं और आज हम जंगल में कुछ मैगी सेगी बनाएंगे। और बारिश अच्छी सी दो तीन दिनों से हो रही है, हालांकि एक हफ्ते से बारिश तो हो रही है लेकिन दो तीन दिन से थोड़ी अच्छी बारिश यहाँ पर हो रही है। तो हम एक मस्त नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, काफ़ी सुनसान जगह है और यहाँ पर मैगी बनाएंगे। ये देखिए मशरूम, कैमरे को दिखा भाई मशरूम। गाइस मशरूम फोकस हो रहा है उसमें। अरे गोप्रो भाई तू फोकस कर लेना हो सके तो। सुगंध तो कुछ नहीं आ रही इसमें, इससे क्या होता है? ये जो लोग खाते हैं इसको दवाई भी होती होगी। दवाई होती होगी या होती है पक्का बोल तू? होती होगी। वो मुझे नहीं पता है पक्का। मुझे पता मिला ये चूल्हे में चलेगा। कैसा है? कैसा है देखो। चल लेके जा पेड़ के नीचे रख के आजा। काफ़ी मुश्किल के बाद हमने आग को है वो जला लिया है। और बिल्कुल सूखी सूखी पतली पतली लड़कियां नहीं थी, लकड़ियां थी वो, क्योंकि बारिश के बाद तुरंत सूख जाती है। तो स्टार्टिंग में हमने उसको जलाया तो तुरंत से जलकर ख़त्म हो गई। फिर हमने कुछ यहाँ से वो प्लास्टिक वगैरह थोड़ा बहुत था वो डाला था तो उसकी वजह से थोड़ी सी आग जरा सी बच गई। तो ऐसे पतली पतली लकड़ियाँ हमने ऐसे ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाला। तो जो लोग जंगल में रहते हैं, यहाँ पर चरवाहे लोग जो रहते हैं अपनी भेड़ बकरी वगैरह को गाय को लेकर आते हैं चराने के लिए, उन लोग का तो रोज का रहता है तो वो तो तुरंत जला लेते हैं। और एक लकड़ी के बारे में भी मैंने सुना है, कुंडेर की लकड़ी होती है वो बारिश में बहुत अच्छी रहती है जलाने के लिए। लेकिन अब जो हमारी आग है वो टकाटक तरीके से चल रही है। प्रिंस भाई उधर आ रही है, गर्मी आ रही है इसकी। और मैगी का सामान लेके आओ, पतीली वगैरह और पानी का बोतल। तो गाइस ये आपको इधर दिख नहीं रहा है वरना ये आग बहुत ऊंची है और जल रही है, बेड़े ना उससे भी आगे तक ये आग जा रही है। छोटू भाई पानी कितना डालना है, मैगी का आइडिया नहीं है मेरे को। कितना? आधे से कम। आधी ये पतीला, आधा दो बनानी है तो आधा। छोटू एक पैकेट बनाएंगे तो चलेगा ना? एक नहीं दो 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 हम दो पैकेट लाए, दोनों बना दे दोनों, तो फिर बाद में बारिश आ गई और रुक गए तो फिर क्या करेंगे? तो भूख लगेगी तो किधर बाहर खा लेंगे।
मैगी लाइफ में फर्स्ट टाइम उद्घाटन, मैगी उद्घाटन। ये यार ये पत्थर देखो मस्त ऐसा गोल पत्थर है ना, वो गोटी खेलते हैं ना उसके जैसा है। वैसे देख वो जो कंचे आते हैं ना वो ऐसे पत्थरों से बनते हैं। और गाइस अभी इधर पास में आग जल रही है, ये आग है इधर और वो हमारी बाइक है। और अभी बारिश के भी आसार बढ़ चुके हैं क्योंकि अब तक जो हवा चल रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और हमारे ऊपर भी थोड़े थोड़े बादल अब आ रहे हैं, ऐसा हमें ऐसा झाड़ियों में से दिख रहा है। अगर आपको दिख जाए तो ये साइड में दिखा गया था पापा, छोटू दिखा गया, सही तरीके से बोलना। गाइस ये रहे बादल, आपको दिख रहे हैं तो बताना। और वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है आपको नहीं दिख रही होगी, जो मुझे पता है उधर जो दिख रही है आपको, हम उधर जाने वाले हैं और उधर से थोड़ा बहुत दिखेगा। और अब पापा मैगी बना रहे हैं। ओ भाई मैगी का पैकेट डाल दिया पापा ने। अभी जो आपने टाइम लैप्स पे सारी डिप जिप रिक जिक जो सारी देखी ना, सब कुछ जो आपने देखा ना टाइम लैप्स में, अभी ये इसने रखा था, ये हमारा वीडियो मेकर, वीडियो का गाइस मुझे पता नहीं है इस गोप्रो में क्या करने का भाई, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, फोर्थ में पढ़ता हूँ, मुझे क्या पता। हाँ मुझे मैगी बनाने का कोई आइडिया नहीं है। प्रिंस और छोटू ये दोनों मैगी के King. बहुत ही बढ़िया किंग है खाने के, लेकिन उनको पता है कि मैगी में पानी कितना डालना है और कैसे बनानी है। तो आज हम यानी कि मैं इन दोनों की वजह से ये रिस्क ले रहा हूँ, जंगल में मस्त बढ़िया पेड़ के नीचे, चूल्हा हमारा जल चुका है और मैगी भी देखिए पक रही है। आवाज आ रही है आपको गोबर में आ रही है? नहीं वो हमें पता नहीं है। बढ़िया सी मैगी अब थोड़ी देर के बाद बन जाएगी। अगर ज़्यादा देर हवा रुक जाती है तो बारिश आएगी ठीक है। और हवा होगी तो बादल हवा बादल को ले जाएगी। बात कर रही है मैदी बन रही है हमारी, मैगी बन रही है, मैदी नहीं। तो अब जो है मैगी हमारी बन चुकी है और अब हम खाने के लिए हैं रेडी। थैंक यू चल है। चलो आप निकलो यार, चपेली में नाके ने नजीक थी उतर नीचे रहा। यो इसको मैं निकाल देता सुख दे रहा हूँ। पास में रखो पास में, ये क्या हो पूरी मैगी जैसे ही मैगी हमने अपनी प्लेट में डाली ऊपर से आ गई बारिश, तो हम पेड़ के नीचे वापस जाएंगे और जल्दी से पापा बोलो तीन बार ना और यहाँ बैठकर खाएंगे। चम्मच ले ले छोटा। तो बारिश जो है उतनी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है और हवा भी है तो ज़्यादा मुझे लगता है बारिश नहीं चलेगी, लेकिन ये छोटू ने और प्रिंस ने आक्रमण कर दी है पूरी तरह से मैगी के ऊपर। बाइट है मेरा और ये दूसरा चौथा। कैसी बनी है? बस मैंने बनाई है। किसने बनाई है छोटू? मैंने। गाइस ये मेरा भाई बोल रहा है कि झरने का पानी ना शुद्ध होता है तो हम उसको बोतल में क्यों नहीं भरते, भर के दिखाऊंगा। झरने में जाएंगे गई पूरी खाएंगे। और गाइस
नदी तो है, यहाँ से शुरू हो गई है नदी भी। हेलमेट यहाँ रख दे, वापसी में लेके जाएंगे। नहीं नहीं, साथ में लेके जाएंगे। आगे उतरने की जगह होगी तो ना। पता नहीं इधर से पानी आ रहा है क्या? पानी की आवाज आ रही है। सामने वो पत्थर दिख रहे हैं ना प्रिंस, वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। छोटे किधर गया? छोटे पीछे आ रहा है। छोटे कैसा लग रहा है जंगल में? बहुत अच्छा है। भूख कितनी लगी है अभी इसको? मैगी खाने के बाद इसको क्या होता है? भूख उगड़ती है। उगड़ती है मतलब? उगड़ती है मतलब क्या? खुलती है। खुलती है, नए सिरे से लगती है। टेन टेन टेन। वाह भाई वाह, क्या मस्त जगह है यार प्रिंस। हाँ? बहुत बढ़िया जगह लेके आए तू। ये पानी देखिए कितना साफ पानी। टैंक, एक मछली भी है अंदर। कीचड़ है भैया जी, रुक जाइए। आज तो नसीब खुल गए यार। खुल गए सच्ची में पापा, इधर पर कीचड़ है। कीचड़ कुछ नहीं करेगा, जा आराम से, गिरना मत। ओ भाई साहब, ये तो कीचड़ है। ओहो पापा। हां बाबा, बैग रख के आने से यार। वो तो बोल रहा था हेलमेट वगैरह रख देते हैं, लेकिन ये जगह का नाम नहीं बताना है हमें किसी को, कसम से। सुन सी हल्की बारिश। पानी चल रहा है, तू तो पानी है गाइस, तू थोड़ी है एकदम। गाइस ये चलता पानी है, ये साफ ही होता है। आ ठंडा हो चुका है। मीठो पानी है, मीठो है ना, बरसात नो है। तेरे मेरे बीच में सियाड़े सोरठ भलोन, उनाड़े गुजरात वर्षे तो वागड़ भलोन, असांजो कचड़ो बारे मास। ये नदी का पानी सामने से आ रहा है और जा रहा है इस तरफ। एक साइड ये जमीन है मिट्टी वाली, रेत वाली, और इस साइड में आप सामने वहाँ पर पत्थर है, और ये पूरा पथरीला डिजाइन जो है आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया। ये घनी झाड़ियाँ है, और आज हमें पत्थरों में चढ़ने का कोई ऐसा हम घर से डिसीजन लेकर नहीं निकले थे। हमें आज पानी चाहिए था, बारिश चाहिए थी, बारिश भी मस्त बढ़िया आ गई थी, और बस शांति चाहिए थी, और शांति मिल गई। बच्चों कैसा लग रहा है? ए बच्चों कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। तो अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, कुछ अगर देखने को मिलेगा तो। ये नदी बहुत चौड़ी है, ये ऊपर का जो एरिया है नदी का, वहाँ पर भी बारिश का पानी खेतों में से आया है। वो सामने की साइड अगर जा सकें तो जाना है उन पत्थरों को नज़दीक से निहारने के लिए। हमारी बाइक हमने पीछे छोड़ दी। ये पत्थरों वाली सामने की साइड से आए होते ना हम,
वो साइड से, पीछे की साइड से, तो ये पत्थरों में कहीं से भी चढ़ के ऊपर भी जा सकते थे। अभी आगे जाके ये पत्थर जो दिख रहे हैं प्रिंस, उसके वो साइड से आके भी ये नदी देख सकते हैं। सामने की साइड यहाँ से नहीं जा पाएंगे, पानी है ना बीच में गहरा थोड़ा, तो अभी छोटू सामने नहीं जाएंगे, चलेगा इधर, वो सामने वो पत्थर दिख रहे हैं ऊपर, नहीं जाना है। नहीं जाना है ना? तो ये थोड़ी देर से खेल लेते हैं। अभी हमें एक यहाँ से चलते हुए एक बहुत ही बढ़िया झरने की आवाज़ सुनाई दी। आज बिल्कुल उतनी बारिश नहीं हुई है कि जिससे कच्छ के जंगलों में हमें झरना बहता हुआ दिखने को मिले। और ये थोड़ा हम आगे गए, इसका सोर्स भी हमने देख लिया है। अभी हम आपको ये छोटा सा झरना दिखा रहे हैं, हमको तो आवाज़ आ रही है, हमारे कान तो सुन रहे हैं, लेकिन GoPro भी आपको उसकी आवाज़ सुनाएगा। पैर मत डालना पानी में, नहीं डाल रहा हूँ, फिसल जाएगा। वहाँ नीचे से हम ऊपर आ गए हैं और मैं ऊपर हाइट से जो नीचे नदी का व्यू है वो आपको दिखाने के लेके जाऊंगा। यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और सामने प्रिंस और छोटू को रोक दिया है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की जगह है, तो उनको आगे मैं जानबूझकर नहीं लेके आया। और ये जगह कितनी खतरनाक है आप देख सकते हैं, सामने नदी और ये इतना झरना बहता होगा। वाकई में जब बारिश चल रही थी तब हम यहाँ नहीं पहुँच पाए, अभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से पानी जा रहा है। बहुत ही मस्त आज सुहाना माहौल है और बड़ी हाइट पर ये जगह, नदी में काफ़ी देर तक मज़े किए और ये रास्ता वहाँ तक नदी तक पहुँचने में भी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन घूमकर वापस ये ऊपर वाला रास्ता तो नाक में दम कर दिया। वो मैंने GoPro लगाया भी नहीं था, लेकिन GoPro अगर सामने ऐसे हेलमेट में लगा होता तो बाइक चलाना भी काफ़ी मुश्किल था। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, लेकिन हमारी स्प्लेंडर ने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिखाया। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से वापस। भाई इस लेडी का बाप है, और क्या पानी है, प्यास तो एक गिलास से क्या आधे गिलास से भी बुझ जाएगी। दूसरे तो भर दी, पानी कितना तेज है, एक तो नहीं।